हेलो विवेकियंस, कैसे हैं आप सभी। आज आपकी रजनीश मैम हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती है। पाठ 3 मोटू राम ने खाए लड्डू की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल आपने शब्द ज्ञान में द्वितीय व्यंजन के बारे में पढ़ा था और आपको ये भी समझ आ गया होगा। और आज का हमारा उद्देश्य है विशेषता बताने वाले शब्दों को समझ पाना। तो बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ 37 निकालिए। भाषा की पहचान, विशेषता बताने वाले शब्द, ये कौन से शब्द होते हैं, यह आपको आज आपकी अध्यापिका समझाएगी। विशेषता बताने वाले शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। उदाहरण के तौर पे पीले लड्डू, नमकीन मठरी, गोल मटोल पेट। तो बच्चों, इसमें लड्डू, मठरी और पेट संज्ञा शब्द हैं। तो लड्डू कैसे हैं? पीले। और मठरी कैसी है? नमकीन। और पेट कैसा है? गोल मटोल। तो बच्चों, पीले, नमकीन और गोल मटोल शब्द रंग, स्वाद और आकार के बारे में बताते हैं और यही शब्द विशेषता वाले शब्द होते हैं। इसके बाद पृष्ठ 38 निकालिए। आओ करें 6। चित्र के अनुसार उचित विशेषता बताने वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो बच्चों, पहला चित्र किसका है? शेर का। और शेर कैसा होता है? ताकतवर या नीला, आपको तो पता ही होगा। शेर की विशेषता क्या है? ताकतवर। तो आपने ताकतवर पे गोला लगाना है। केला कैसा होता है? कड़वा या मीठा, मीठा पे गोला लगाना है। मोर सुंदर या काला, मोर सुंदर होता है। आइसक्रीम ठंडी या गरम, ठंडी। बस गोल आयताकार। तो बच्चों, गोल तो आपको समझ आ गया, आयताकार का क्या मतलब होता है? आयताकार मीन्स रेक्टेंगुलर। जो बस है वो हमारी आयताकार है। इसके बाद आओ करें 7 भी आपने करना है। इसमें आपको विशेषता बताने वाले शब्दों पे गोला लगाना है और इसी के साथ साथ आपको मेरी बारी 2 भी करना है। और इसी के साथ साथ दिए गए अनुदेश को भी पढ़िए। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।